व्रतों में प्रमुख व्रत नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या तथा एकादशी के हैं। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। यहाँ तक कि ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। इसके अलावा एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। इस बार विजया एकादशी 9 मार्च को है। चलिए बताते हैं विजया एकादशी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार विजय दिलाने वाली मानी जाती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से आप भयंकर विपत्तियों से छुटकारा पा सकते हैं, बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। चलिए बताते हैं विजया एकादशी के मुहूर्त क्या है। विजया एकादशी दोपहर 3:44 से प्रारंभ होकर 9 मार्च दोपहर 3:02 पर समाप्त होगी। विजया एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें, चलिए बताते हैं आपको। विजया एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें। श्री हरि की स्थापना एक कलश पर करें। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक श्री हरि का पूजन करें। मस्तक पर गोपी चंदन लगाकर पूजन करें। इनको पंचामृत, पुष्प और ऋतु फल अर्पित करें। चाहे तो एक वेला पूर्ण सात्विक आहार ग्रहण करें। शाम को आहार ग्रहण करने के पहले उपासना और आरती जरूर करें। अगले दिन प्रातःकाल उसी कलश का और अन्य वस्त्र इत्यादि का दान करें। चलिए बताते हैं विजया एकादशी पर किन बातों का ध्यान रखें। यदि उपवास रखें तो बहुत उत्तम होगा, नहीं तो एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करें। एकादशी के दिन चावल और भारी खाद्य का सेवन ना करें। रात्रि के समय पूजा उपासना का विशेष महत्व होता है। क्रोध ना करें, कम बोलें और आचरण पर नियंत्रण रखें। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।